बच्चों, उत्पादन के साधनों के बारे में हमने जाना कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में उत्पादन के जो साधन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये उत्पादन के साधन उत्पादन में सहयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इसके बदले उनका प्रतिफल प्राप्त होता है। जैसे हमने पिछले अध्यायों में भी देखा था कि भूमिपति क्योंकि भूमि देता है तो वो क्यों देता है, क्योंकि उसको लगान प्राप्त करना होता है भूमि के प्रतिफल के रूप में। दूसरा हमने देखा था कि श्रमिक क्यों श्रम का कार्य करता है, क्योंकि उसको बदले में मजदूरी प्राप्त होती है। पूंजीपति किसी उद्योगपति को क्यों देता है पूंजी की राशि, क्योंकि उसको उस राशि के बदले में ब्याज प्राप्त होता है। वैसे ही अगर हम देखें तो संगठनकर्ता जो किसी व्यवसाय में नियोजित होते हैं, प्रबंधक या क्लर्क या किसी अन्य कर्मचारी के रूप में संगठन के अंग होते हैं, वे सभी अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए यानी उस कार्य के बदले में कुछ प्रतिफल प्राप्त करने के लिए उत्पादन के कार्य में अपना सहयोग देते हैं, बदले में वे वेतन प्राप्त करते हैं। और लास्ट में जो बच जाता है वो हिस्सा साहसी का होता है। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन को संयोजित करके उत्पादन का जो कार्य होता है वो साहसी यानी उद्यमी करता है। तो वो क्यों करेगा ऐसा कार्य जब तक उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा? तो ये जो चार साधन है उनको हिस्सा देने के बाद जो बच जाता है वो हिस्सा जो होता है वो साहसी का होता है। हमने देखा था कि उसको लाभ भी हो सकती है और हानि भी हो सकती है, लेकिन हमेशा वो लाभ के दृष्टिकोण से उत्पादन कार्य को करता है। यहाँ पर वास्तव में ये जो उत्पादन के साधन हैं इनको जो धनराशि दी जाती है, कहीं ना कहीं यही धनराशि घूम फिर के वापस उत्पादन में आ जाती है। इस तरह से एक बार उनको राशियों का दिया जाना और वापस उत्पादन में ला लिया जाना आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार एक धनराशि विभिन्न साधनों से गुजरते हुए वापस वहीं आ जाती है जहां से वो निकली थी। विभिन्न उदाहरणों और आय के कुछ प्रवाह के अलग अलग स्वरूपों के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या है आय का चक्रीय प्रवाह। तो आइए एक परिभाषा के आधार पर हम इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करें। प्रोफेसर लिप्से के अनुसार आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है। तो इस परिभाषा में आपने देखा कि इन्होंने भी माना है कि फर्म और परिवारों के बीच एक ऐसा संबंध होता है कि उन्हीं की राशि एक दूसरे से हस्तांतरित होते रहती है और कहीं ना कहीं वही आय का प्रवाह बन जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो चक्रीय प्रवाह होता है, आय का चक्रीय प्रवाह होता है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह। तो आइए देखते हैं क्या है वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह के बारे में हम ये कह सकते हैं कि परिवार से फर्म की ओर जो प्रवाह होता है, जब हम यहाँ पर भूमि, श्रम और पूंजी के रूप में परिवार को नियोजित करते हैं, भूमि किसी भूमिपति की होगी, श्रम कोई श्रमिक करेगा, पूंजी किसी पूंजीपति की होगी, इन सभी इकाइयों को एक परिवार के रूप में जब हम यहाँ पर नियोजित करते हैं तो उसको हम वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत लाते हैं। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्मों, ये जो परिवार है, ये जो प्रवाह है वो फर्मों से परिवार की ओर होता है। जब हम ये जो भूमि है, श्रम है और पूंजी है, उनको वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह करते हैं, उनको उत्पादित वस्तु देते हैं या उनको सेवाएं देती हैं ये इकाइयाँ, तो यहाँ पर जो प्रवाह होता है वो वास्तविक प्रवाह कहलाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्म से परिवार को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान किया जाता है, यानी उत्पादन के जो फर्म हैं उन्होंने श्रमिकों से, पूंजीपतियों से या भूमिपतियों से जो भी सेवाएं ली, बदले में जब हम उनको मुद्रा में भुगतान करते हैं तो वो मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परिवार से फर्म को
जो वस्तुएं और सेवाएं दी गई उसके बदले में भी मुद्रा में भुगतान लिया गया। तो क्योंकि पूरा का पूरा फोकस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुद्रा के द्वारा ही आदान प्रदान किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्रवाह होता है वो मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि चक्रीय प्रवाह में हमने वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह को हम किस तरह से अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार होता है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एकल परिवार प्रणाली जिसको हम कहते हैं, या फिर एकल एवं आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह से होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एकल क्षेत्र में जो मुद्रा व वस्तुओं का जो चक्रीय संबंध के रूप में जो प्रवाह होता है वो किसी न किसी मान्यता पर आधारित होता है, यानी एक मान्यता को हम ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग हम इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। तो किन किन मान्यताओं को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, पहली मान्यता ये रहेगी कि एक अर्थव्यवस्था में केवल चार परिवार है, ए बी सी और डी। दूसरी हमारी मान्यता रहेगी कि प्रत्येक परिवार द्वारा जो है वो अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तीसरी यहाँ पर हमारी धारणा रहेगी कि अर्थव्यवस्था में केवल एक रुपये का चलन है, और इस मान्यता के आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने एकल परिवार में मुद्रा और वस्तुओं के चक्रीय प्रवाह की बात करी है, आर्थिक क्रियाओं में वास्तव में किस प्रकार से ये चक्रीय प्रवाह होता है, आइए एक चित्र के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एकल क्षेत्र या परिवार प्रणाली एवं आय के चक्रीय प्रवाह के लिए जो चित्र हमने यहाँ पर बनाया है, उसमें हम देख रहे हैं कि परिवार बी द्वारा परिवार ए से एक रुपए की सामग्री खरीदी जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ धारणाएं मान ली हैं कि चार परिवार हैं ए बी सी डी, और प्रत्येक परिवार द्वारा अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और एक ये हमने मान लिया है कि अर्थव्यवस्था में केवल एक रुपए का चलन है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परिवार बी द्वारा परिवार ए से एक रुपए की सामग्री खरीदी जाती है। अब बी जो है वो इसका भुगतान ए को करता है, ए इसी रुपए से सी से अपनी आवश्यकता की वस्तु को क्रय करता है, यानी कि ए ने इस रुपए को सी को दे दिया और सी को उसने एक रुपए का भुगतान कर दिया। अब इसी प्रकार सी जो है वो डी से वस्तु खरीद लेता है और इस पैसे का भुगतान वो डी को कर देता है। अब डी जो है वो बी से कोई वस्तु खरीद लेता है, तो वो डी जो है वो बी को इसे एक रुपए का भुगतान करता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घूम फिर के वापस वो जो एक रुपया है वो बी के पास पहुंच गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मुद्रा और सामग्री उन चारों परिवार में से एक परिवार से एक दूसरे के बीच वो प्रवाहित होती रहती है। विनिमय का कार्य जैसे ही खत्म होता है वैसे ही मुद्रा के द्वारा जो होता है वस्तुओं का जो है वो क्रय होता जाता है, और इस ये जो पूरा चक्रीय क्रम यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय आय का स्तर उत्पाद और राष्ट्रीय व्यय 4 रुपए के बराबर है, और ये चक्रीय प्रवाह ये भी बताता है कि मुद्रा की जो मात्रा चलन में है उससे कई गुना अधिक आय के माप का कार्य मुद्रा संपन्न कर रही है। तो आपने देखा कि एकल परिवार प्रणाली में आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह से होता है, किन मान्यताओं के आधार पर आय के चक्रीय प्रवाह को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्तिक या व्यवसायिक फर्मों के बीच जो वस्तु और मुद्रा होती है उसमें चक्रीय प्रवाह किस तरह होता है। तो ये भी चक्रीय प्रवाह हम जो व्यक्तिक और वस्तुओं के बीच में जो प्रवाह होता है वो भी कुछ मान्यताओं पे आधारित होता है, और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर हम देखेंगे कि चक्रीय प्रवाह वास्तव में होता कैसे है। तो इसकी जो मान्यताएं हैं वो तीन स्तर पर ही आधारित होती है। पहला कि एक अर्थव्यवस्था में तीन फर्में काम कर रही हैं, हमको ये ध्यान में रखना है कि एक अर्थव्यवस्था में तीन फर्में काम कर रही हैं। दूसरा, तीनों अलग अलग स्तर पर कार्य कर रही हैं, और तीसरी हमारी मान्यता होगी कि प्रत्येक स्तर पर उत्पादन मूल्य में वृद्धि होती जा रही है। कैसे ये यहाँ पर आय का चक्र चलता है, आइए एक चित्र के द्वारा इसको और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करें। व्यक्तिक व्यवसायिक फर्मों के बीच वस्तु एवं मुद्रा का प्रवाह, यहाँ हम जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि तीन फर्में हैं ए बी और सी, वो एक साथ काम कर रही हैं।
अब इसमें जो ए फर्म है वो एक ऐसी फर्म है जो केवल कच्चे माल का उत्पादन करती है, और बी फर्म पूर्व उत्पादित सामग्री का उत्पादन करती है, यानी कच्चे माल से को वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके इतना आगे बढ़ा देती है कि एक सी फर्म के लिए वो पूर्व उत्पादित सामग्री बना देती है, और सी फर्म जो है वो अंतिम उत्पादित सामग्री मतलब जो बनकर तैयार होती है वो अंतिम उत्पादित सामग्री का प्रोडक्शन जो है वो सी फर्म करती है। यानी ये तीनों फर्म ए बी और सी जो है वो तीन अलग अलग स्तर पर कार्य कर रही हैं। अब इनके द्वारा जो उत्पादित सामग्री है उसका विनिमय होगा ही, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्म ए से फर्म बी 200 रुपए मूल्य की सामग्री खरीदती है, और इसके बाद फर्म बी जो है वो उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति फर्म सी से करती है और फर्म सी से 250 रुपए में प्राप्त करती है। इस प्रकार तीनों फर्मों के मध्य सामग्री का संतुलन प्रवाह होता है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चक्रीय प्रवाह स्पष्ट करता है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवारों तथा व्यवसायिक क्षेत्रों के चक्रीय प्रवाह को देखेंगे। इनके अंतर्गत भी दो क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से दो क्षेत्र? इसमें हम परिवार और दूसरा व्यवसायिक फर्म या व्यवसायिक क्षेत्र, दो क्षेत्रों के आधार पर दो क्षेत्रों में आय का प्रवाह किस प्रकार से होता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत भी जब हम वस्तु या मुद्रा के आय के चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं तो वो भी कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। कौन कौन सी मान्यताएं होंगी यहाँ पर? कि व्यवसायिक क्षेत्र के अंतर्गत समस्त उत्पादन का केंद्रीकरण होता है, यानी कि उत्पादन का कोई ना कोई केंद्र बिंदु होता है जहाँ पर सभी आयों को एकत्र करके फिर उत्पादन कार्य को गति दी जाती है। दूसरा ये कहा जाता है कि जो भी आय वहाँ पर आई उसको तुरंत उत्पादन के कार्य में लगा दिया जाता है, यानी कि एक मान्यता यहाँ ये भी बनती है कि उत्पादन में कहीं भी किसी भी भाग का यहाँ पर संग्रहण नहीं किया जाता है। तीसरी मान्यता की हम बात करें तो वो है उत्पादन के क्रय विक्रय का पूर्ण रूप से संबंध होता है, यानी कि यहाँ पर जो क्रय विक्रय होता है दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत वस्तु और मुद्रा के चक्रीय प्रवाह को प्रदर्शित करता है। तो आइए एक चित्र के माध्यम से ये जो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो चक्रीय प्रवाह है आय का वो किस प्रकार होता है देखते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवारों तथा व्यवसायिक क्षेत्रों के चक्रीय प्रवाह को हम एक चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं, लेकिन इस चित्र के पूर्व हमको इस मान्यता को ध्यान में रखना है कि पहला, व्यवसायिक क्षेत्रों के अंतर्गत समस्त उत्पादन का केंद्रीकरण होता है, दूसरा, उत्पादन के किसी भाग का संग्रहण नहीं होता, और तीसरा, उत्पादन में क्रय विक्रय का पूर्ण रूप से संबंध होता है। इस चित्र में जैसे कि हम देख रहे हैं कि व्यवसायिक क्षेत्र में तीन फर्में काम कर रही हैं, ए बी और सी। यहाँ हम देखते हैं कि फर्म ए द्वारा 200 रुपए मूल्य के बराबर के कच्चे माल तैयार किए जाते हैं और फर्म बी उसे और अधिक उपयोगी बनाकर अंतिम माल बनाने के लिए फर्म सी को 125 रुपए में उसका विक्रय कर देती है, और लास्ट में फर्म सी द्वारा तैयार माल जो हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, जो फर्म सी के द्वारा तैयार माल है वो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अवधि से प्राप्त होने वाली आय का वह भाग जो परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र की बचत के रूप में पूंजी बाजार में चला जाता है, फिर से पुनः विनियोग के लिए उत्पादन क्षेत्र को ऋण के रूप में आ जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में वो प्रवाहित होता है। अब परिवार और व्यवसायिक क्षेत्र के बाद द्विचक्रीय अर्थव्यवस्था में यहाँ हम देखेंगे कि बचत और विनियोग और तथा आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह होता है। इसको भी हम दो भागों में बांट कर समझेंगे, दो क्षेत्रों में। पहला जो क्षेत्र होता है वो होता है उत्पादक क्षेत्र, और दूसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है सार्वजनिक क्षेत्र। तो अगर हम बात करें उत्पादक क्षेत्र की तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्पादक क्षेत्र को कहाँ से आय प्राप्त होती है, तो हम देखते हैं कि उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के विक्रय से आय प्राप्त होती है। फिर हम देखते हैं कि उत्पादन में जो उसको आय जो प्राप्त होती है विक्रय को वो कहाँ पर व्यय करता है, विक्रय से जो आय प्राप्त होती है उसको वो उत्पादन के साधनों का प्रतिफल देने के लिए खर्च करता है। लेकिन यहाँ एक बात देखने योग्य है कि जो भी उसको आय प्राप्त होती है वो पूरा का पूरा
प्रतिफल जो होते हैं उत्पादन के साधन, उनको उन पर पूरा व्यय नहीं करता, उसका एक हिस्सा वो बचा लेता है। अब जो बचा लेता है वो उस उत्पादक फर्म की बचत हो गई, और उसी बचत को वो और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं विनियोजित करता है। तो कहाँ पर विनियोजित करता है? पूंजी बाजार में, बैंक या बीमा कंपनी में, अन्य किसी वित्तीय संस्था में विनियोजित कर देता है। अब यहाँ पर जैसे उत्पादक एक प्रक्रियाबद्ध रूप से अपनी बचत को पूंजी बाजार में विनियोजित करता है, वैसे ही अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र को देखें तो हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को आय कहाँ से प्राप्त हुई? राजस्व से, यानी कर से, या बहुत सारे शुल्क लगाती है सरकार वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कर और शुल्क सार्वजनिक क्षेत्र को मिले, सरकार को मिले, सरकार क्या करती है, इन्हीं पैसे से जो जनता को जो सुविधाएं प्रदान की जानी है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो इन्हीं टैक्स के जमा किए गए पैसों से वो देती है। लेकिन सरकार भी एक कुछ हिस्सा बचा लेती है और उसको विनियोजित करती है, कहाँ? वापस पूंजी बाजार में। पूंजी बाजार में यानी कि बैंक या किसी वित्तीय संस्था या बीमा कंपनी, कहीं भी। अब ये जो पूंजी बाजार होता है, इसके पास ये जो पैसा आया, चाहे वो उत्पादक क्षेत्र से आया या सार्वजनिक क्षेत्र से, वो क्या करता है इस पैसे को? वापस या तो वो उत्पादक क्षेत्र को ऋण के रूप में दे देगा, या वो सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में दे देगा। यानी घूम फिर के वही पैसा एक बार उत्पादक क्षेत्र से पूंजी बाजार में आता है, पूंजी बाजार से उत्पादक क्षेत्र में चला जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी बाजार में आता है, और पूंजी बाजार से फिर वो सार्वजनिक क्षेत्र में चले जाता है। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है, आइए एक चित्र से इसको और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बचत एवं विनियोग तथा आय का चक्रीय प्रवाह। इस चित्र के आधार पर हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अवधि में प्राप्त होने वाली आय का वह भाग जो परिवार क्षेत्र तथा उत्पादन क्षेत्र की बचत के रूप में पूंजी बाजार में जाता है, वो फिर से विनियोग के लिए उत्पादन क्षेत्र को ऋण के रूप में चला जाता है। जैसे हमने देखा कि परिवार क्षेत्र की जो बचत हुई वो पूंजी बाजार के रूप में गई, अब ये पूंजी जो थी वो बचत के रूप में विनियोग होकर उत्पादन के क्षेत्र में चले गई। अब उत्पादन के क्षेत्र में जब ये गई तो उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन के जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, जो उत्पादन के साधन है, उनको जब भुगतान किया गया तो वापस में एक्चुअली जो साधन होते हैं वो परिवार क्षेत्र के ही होते हैं, तो वही राशि घूम फिर के वापस परिवार क्षेत्र के पास आ गई। अब परिवार को, यानी एक साधन उत्पादन का जो है वो एक परिवार है, तो इस परिवार को जो साधन भुगतान से आय प्राप्त हुई, वापस उसने इस प्राप्त आय को उपभोग में लगा दिया, और उपभोग पर जो व्यय किया वही व्यय घूम फिर कर उत्पादन क्षेत्र में फिर से आ गया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आय का चक्रीय प्रवाह उत्पन्न हो रहा है। अब अगर हम बात करें बंद अर्थव्यवस्था की, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है बंद है, किसके लिए बंद है? विदेशों से जो व्यापार हो रहा है उसके लिए वो पूरी तरीके से बंद है। एक आंतरिक जो इकाइयां है देश की, देश के अंदर के जो उद्योग हैं सिर्फ वो ही इसके अंदर काम करेंगे। यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इसको और अधिक अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि इसमें जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो देश की सीमा के भीतर ही की जाती हैं, यानी बाहर की कंपनियों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा होता है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य किसी भी अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता। एक चीज यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर ना तो आयात के भुगतान की टेंशन है और ना निर्यात में विदेशी मुद्रा लेने की टेंशन है। चौथा बिंदु एक ये भी देखने को मिलता है कि अगर आयात निर्यात है ही नहीं तो ना तो विदेशी ऋण लिया जाना है, ना विदेशों को ऋण चुकाना है। तो बंद अर्थव्यवस्था में बाहर की जो गतिविधियाँ होती हैं वो पूरी की पूरी बंद होती हैं। साथ में यहाँ पर जब बंद अर्थव्यवस्था में हम आय के चक्रीय प्रवाह को देखते हैं तो चार घटक हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से चार घटक? परिवार यानी पारिवारिक आय, उत्पादन क्षेत्र की आय, सरकार और पूंजी बाजार।
इन चारों को अगर हम अलग अलग इनका विश्लेषण करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पारिवारिक आय का चक्रीय प्रवाह कैसा है। पारिवारिक आय की हम बात करें तो पारिवारिक आय के बारे में हम कह सकते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं उत्पादन में जो साधन हम यूज़ करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, वो उसी के सदस्य हैं। तो ये जो पारिवारिक आय है उसके अंदर वो आय शामिल है जिसे एक उत्पादनकर्ता ने प्रतिफल के रूप में इनको दिया है। अब ये जो पारिवारिक आय इनके पास गई उसके जो है वो तीन प्रवाह हुए। कौन कौन से? साधन का पुरस्कार, यानी कि वो साधन उत्पादनकर्ता कोई उनको साधन के रूप में दिया, वहाँ से उनको आय प्राप्त हुई। दूसरा हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा उनकी सेवाओं पर व्यय किया गया, सरकार से उनको कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई। तीसरा हम कह सकते हैं कि राज्य की आय का जो हस्तांतरण इनके हिस्से में किया गया वो इनको प्राप्त हुई, राज्य से जो सुविधाएं प्राप्त हुई। अब ये जो पूरा पैसा इनसे प्राप्त हो गया उसको उन्होंने व्यय कहाँ पे किया? उसी उत्पादित वस्तुओं के क्रय में जिसका उन्होंने उत्पादन किया था और प्रतिफल प्राप्त किया था घूम फिर के। उसी सरकार का टैक्स चुकाने में जिस सरकार से उन्होंने सेवा प्राप्त की थी। तो वापस ये जो पैसा था घूम फिर के जब उन्होंने परिवार ने उपभोग पर व्यय किया तो वापस उत्पादनकर्ता के पास आ गया और वापस सरकार के पास आ गया। तो ऐसा चला यहाँ पर आय का चक्रीय प्रवाह। दूसरे घटक की हम बात करें तो दूसरा जो घटक है वो है उत्पादन क्षेत्र की आय। उत्पादन क्षेत्र की आय के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पादन क्षेत्र की जो आय है वो सरकार को कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है? उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त हो रही है इनको। दूसरा, अनुदान या सहायता के द्वारा इनको सरकार से प्राप्त हो रही है। तीसरा, पूंजी बाजार में इन्होंने विनियोग किया है और उस विनियोग से जो आय है वो इनको प्राप्त हो रही है। तीसरे घटक यानी कि सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार की आय का जो प्रवाह है वो कहाँ कहाँ पे है? परिवार के लिए उन्होंने खर्च किया, उत्पादन क्षेत्र पर उन्होंने खर्च किया और तीसरा पूंजी बाजार पर। तो परिवार की ओर क्या प्रवाह रहा सरकार का? उन्होंने, जैसे हम देखते हैं कि सरकार बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यय करती है, लोगों के लिए परिवहन की अच्छी व्यवस्था, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था मुहैया कराती है, तो सरकार की ओर से परिवार को ये प्रवाह गया। दूसरा हम देखते हैं कि सरकार की ओर से उत्पादन के क्षेत्र में क्या प्रवाह गया? तो भाई उनको अनुदान प्रदान किया गया उत्पादन क्षेत्रों को, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए उनकी सहायता की गई, आर्थिक सहायता के रूप में उनको प्राप्त हुआ। तीसरा हम देखें कि पूंजी बाजार में कहाँ गया? तो इसके बाद जो पैसा बच गया वो सरकार ने पूंजी बाजार में लगा दिया, विनियोग कर दिया, बचत जो थी उसकी उसका उन्होंने यहाँ पर विनियोग कर दिया। अब पूंजी बाजार जो है अगला घटक, उसके बारे में हम देखें तो पूंजी बाजार यानी हम उसमें किसी भी वित्तीय संस्था को शामिल कर सकते हैं, बैंक, बीमा कंपनियां, इस तरह की संस्था को शामिल कर सकते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की बचत को अपने पास जमा कर लेना और बदले में उनको ब्याज देना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं बचत, उन्हीं जमाओं को लोगों को ऋण के माध्यम से वापस दे देना। तो ये जो पूंजी बाजार होता है उन वहाँ पर जो आय का फ्लो होता है, आय का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है? इनको कहाँ से प्राप्त होता है? व्यक्तिगत बचते, लोग जो अपनी बचत करते हैं, उसके बाद इनको प्राप्त होता है व्यावसायिक बचते, उत्पादन क्षेत्र की जो बचत होती है, उसके बाद उनको प्राप्त होता है राज्य से, और वापस यही पूंजी बाजार व्यक्तियों को लोन दे देता है, उत्पादन क्षेत्रों में सहायता राशि दे देता है और सरकार को ऋण के रूप में वापस पैसा दे देता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ से पैसा आता है वापस वहीं चला जा रहा है और ऐसा ये जो चक्र है ये लगातार चलता है। तो बंद अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह से चलता है इसे एक रेखा चित्र के द्वारा हम और अधिक अच्छे से समझेंगे।